आज उसके साथ मारपीट हुई है। राबड़ी देवे ने खुद अपने से मारा है उसको और सिक्योरिटी गार्ड से घसीटवा करके बाहर निकाला है। आज उसके साथ मारपीट हुई है। राबड़ी देवे ने खुद अपने से मारा है उसको और सिक्योरिटी गार्ड से घसीटवा करके बाहर निकाला है। क्या कुछ हुआ है आज अश्वर्य राय के साथ? क्यों हुआ ये परिस्थिति? क्यों आज उसके साथ मारपीट हुई है। राबड़ी देवे ने खुद अपने से मारा है उसको और सिक्योरिटी गार्ड से घसीटवा करके बाहर निकाला है। चलिए आप दूसरी छोर दे सकते हैं कि लगातार उनके आवास के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो करने आई जो महिला पुलिस अधिकारी थी उनसे लगातार पुलिस हो रही है। एफआईआर हुआ है कि नहीं? ये देख सकते हैं कि लगातार जो ऐश्वर्या राय से पूछताछ कर चुकी जो महिला पुलिस अधिकारी है वो कुछ भी करने से इनकार कर रही है और लगातार ऐश्वर्या राय को ये देख सकते हैं तस्वीरें कि इसी कमरे के अंदर बैठाया गया है और उनके परिजन भी जो हैं बहन है और उनके भाई हैं वो नजर लगातार और इसी रूम के अंदर मौजूद है जहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि ऐश्वर्या का आरोप है कि उनकी जो महिला पुलिसकर्मी उन्होंने भी छोटा किया। देखिए अंदर क्या हो रहा है। देखिए जो पुलिसकर्मी है वो लगातार इसी के अंदर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि महिला थाना परिवारी कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल अंदर ऐश्वर्या राय से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें कि आज ऐश्वर्या के आरोप है कि राबड़ी देवी ने उनकी पिटाई की और धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं ऐश्वर्या के जो महिला सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने भी पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि उनके पिता का साफ तौर पर कहना है कि अब राबड़ी देवी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो यहीं पर राबड़ी आवास के बाहर धरने पर रहेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।